कृष्णा. सो आज भागवत कथा का दूसरा दिन है, डे टू. सो यहाँ कितने जन डे वन में नहीं आए थे, ऑनलाइन नहीं सुना? वरुण भैया, ओके. सो मैं क्विक सुना नहीं है, तो मैं क्विक एक कल क्या प्रभु जी ने कल क्या बताया, एक कंटिन्यूशन बना रहे हैं. बताया कि कैसे भागवतम जो है वो भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है. भगवान का ही स्वरूप है भागवतम. भागवतम में जैसे अभी यहाँ तो तीन कैंटो दिख रहे हैं, मतलब पूरे 12 कैंटो हैं. 12 कैंटो है भागवत में. स्कंद बोला जाता है, 12 स्कंद है. भागवतम है वो लिखा हुआ है. भागवतम पूरे वेदों का जो लिखा हुआ है, पूरा वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है. प्रभु जी ने पता है वेदव्यास कौन थे. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के बारे में पता है. परीक्षित जी को श्राप मिला था कि वो 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी. तो वो जब उनको पता चला कि किसी ने उनको श्राप दिया है 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि अभी झगड़ के मतलब नहीं है, चलते 7 दिन में क्या कर सकते हैं. सुखदेव स्वामी को एक गोस्वामी को एक क्वेश्चन सेम पूछा कि क्या किया जाए, मरते हुए इंसान को क्या करना चाहिए, उसका धर्म क्या होता है. प्रभु जी ने बताया कैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं और सुखदेव गोस्वामी उनको भागवतम सुनाते हैं 7 दिन में. भागवतम जो भी है तो भागवतम सुनाते हैं. और सुखदेव गोस्वामी के जो पिताजी हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहां से भागवतम सुना? अपने पिताजी वेदव्यास जी से सुना. तो वेदव्यास जी को संतुष्टि नहीं थी. सब उन्होंने सब वेद लिख डाला, चारों वेद लिख डाला, पुराण और उपनिषद सब लिखा, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी कि मैंने ये सब लिख दिया फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है. जब वो ये सोच रहे थे तब उस वक्त नारद मुनि जी वहां आ पहुंचते हैं और नारद मुनि जी आके बोलते हैं कि तुमको सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है कि तुमने सब चीज के बारे में लिखा है लेकिन तुमने भगवान के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है. हम मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना. तो उसके बारे में तुमने नहीं लिखा है. भगवान में रुचि कैसे बनेगी? तो उसके बारे में लिखो, पूरे भगवान के बारे में लिखो. तब उनको पता चलता है कि ठीक. तो नारद मुनि जी वो बताते हैं कि तुम भगवान के बारे में ही लिखो. तो उस वक्त उन्होंने भागवतम की रचना की, भागवतम लिखा वेदव्यास जी ने. फिर नारद मुनि जी बताते हैं कि वो नारद मुनि कैसे बने. कल प्रभु जी ने बताया जब नारद मुनि जी छोटे थे उनकी माँ के साथ वो ऋषि मुनि के आश्रम में उनकी माँ काम करती थी और वहीं रहते थे. तो उस वक्त 4 महीना जो बरसात का मौसम था तो वो खेलने कूदने नहीं जाते थे. वो बैठ के जो ऋषि मुनि कथा करते थे वो सुनते थे. तो उनकी रुचि उसमें लगने लगी. एज अ किड बच्चे थे तो नारद मुनि जी की रुचि उसमें लगने लगी. फिर आदि मैं तुमको पुनः दर्शन दूंगा. तो फिर बाद में उनकी मृत्यु होती है, मतलब स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है उनको. एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है जो कि नारद मुनि जी का होता है उनके मृत्यु के बाद. तो वहां से नारद मुनि जी बनते हैं जहां की वो विचरते हैं, हर ब्रह्मांड में विचरते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और वो व्यास देव जी के गुरु रहते हैं. तो गुरु ने उनको कहा कि भागवतम लिखो, फिर वो भागवतम की रचना करते हैं व्यास देव. तो प्रभु जी ने यहाँ कल समाप्त किया. और प्रभु जी ने और एक अच्छी बात कल बताई थी कि कैसे ये भागवतम जो है ये सारे वेदों का सार है. जैसे रस होता है ना, एक झाड़ के ऊपर एक फ्रूट होता है, वो फ्रूट से जो रस टपकता है पका हुआ फ्रूट, तो ये पका हुआ फ्रूट अगर किसी ने भागवतम पढ़ लिया तो उसमें उसको भगवान की रुचि भगवान का प्रेम प्राप्त होना ही होना है. तो अभी प्रभु जी डे टू कंटिन्यू करेंगे. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने. नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण। एक बार ऐसे ही सभा में कथा करने जब हम बैठे थे, किसी ने कहा कि प्रभु जी आप एक चुटकुला सुनाओ, जोक, एक जोक सुनाओ। हमने कहा ठीक है, जोक सुनाते हैं। आप सुनना चाहेंगे जोक? हाँ, कहा ना एक सभा में उसे कहा गया था, यही सभा में हमसे कहा गया कि एक जोक सुनाइए। एक बार एक नाव में लोग चढ़कर नदी पार कर रहे थे। आप में से कभी कोई भारत में जो ट्रांजिट नाव होता है, ट्रांजिट नाव जानते हैं, रोज चलता है, भर कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, फिर वापस आता है, फिर वापस भर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, फिर वापस आता है, आप कैसे ट्रांजिट नाव का अनुभव चाहिए होंगे तो आप कलकत्ता जरूर आइए। इतना भरा जाता है कि आदमी सोचता है भाई इतना तो सब्जी मैं अपने बैग में नहीं भरता जितने लोग नाव में भरे जाते हैं। भर के लोगों को आदत है। अगर कभी आपको लगे कि नहीं ना इसमें बहुत भर चुका है, शायद हम ना चढ़े, तो नाव में चढ़े हुए लोग ही बोलते रहे नहीं नहीं आ जाइए आ जाइए। बहुत जगह है, समझ में नहीं आता है। जब चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों के पैरों के ऊपर से आप चल रहे हो, अचानक पैर ऐसे लग जाते हैं आपके पैर के लिए एक जगह मिल जाता है, फिर आप खड़े रहते हो ऐसे। और ऐसे खड़े रहकर अगर आपने रोज ऐसे ही 8-10 घंटे नाव पर ऐसे यात्रा कर ली ना, तो आप योगी हो जाओगे। वृकासन करते हुए, वृकासन जानते हैं? वृकासन मतलब वृक्ष की तरह सीधा खड़ा रहना। तो ऐसे नाव में लोग चढ़े थे, बीचों बीच नदी में अचानक कोलाहल होने लगा, फचाक करके आवाज आया, पता चला कि शायद नदी में कुछ गिर गया है, कोई गिर गया है। लोग जो चिल्लाने लगे, ओ बच्चा गिर गया है, बच्चा गिर गया है। कोई बोला बचाओ बचाओ उस बच्चे को बचाओ, लेकिन कौन को दे? बच्चा जो है गोते लगा रहा था, डूब रहा था, तो अचानक एक नौजवान जो है वो नदी में कूद गया, तैर कर उस बच्चे के पास गया, उसने बच्चे को पकड़ लिया और वापस नाव के पास लाया। लोगों ने हाथ नीचे करके बच्चे को उठाया, फिर उसे भी नाव में रख लिया। तो लोगों ने उसकी बहुत वाहवाह की और कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसे इनाम मिलना चाहिए, तो उसे इनाम भी दिया गया। तो वो बच्चा जो नौजवान था बड़ा डरा हुआ था। जब सारी वाहवाही हो गई तो नाव से उतरा उस पार, वो अपने मित्र के लिए रुका हुआ था, उसका मित्र नीचे उतरा, उसने कहा मुझे नाव में से धक्का किसने लगाया था? नाव बहुत आवश्यक होता है अगर आप नदी के बीचों बीच मझधार में हो। कितने भी अच्छे तैराको हो जाए आप, लेकिन तैरते हुए आदमी थक ही जाता है, हाथ दुखने लगते हैं, पैर दुखता है, शरीर दुख जाता है। इसलिए अगर उसे एक नाव मिल जाए तो उसको सहारा मिल जाता है। उसी प्रकार से आपके लिए एक सूचना है,
आप लोग सब जो है अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए 1634 कस लीजिए कमर की पेटी, क्योंकि बीच मझधार में हम सब हैं और बीच मझधार में एक नाव का आश्रय हमें प्राप्त हुआ है। हम में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मझधार में गोते लगा रहे हैं लेकिन थके हारे उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो उनके लिए सोचना है कि आपके लिए एक नौका है, ठीक है। एतद्ध्यातो रचितानां मात्रा स्पर्शे क्षया मुहुः भवसिंधो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। तो हमारा चित्त जो है सुख दुख लाभ हानि ऐसे अनेकों तरंगों में गोते लगा रहा है। कभी सुख में हम ऊपर आ जाते हैं, कभी दुख में नीचे डूब जाते हैं, कभी लाभ में हम इस पार जाते हैं तो कभी हानि में उस पार। तो इस प्रकार से मात्रा स्पर्श इंद्रियों के सुख के खोज में व्यक्ति निरंतर प्रयास करते हुए ऐसी यात्रा कर रहा है। उसकी यात्रा है भवसिंधु में। भवसिंधु अर्थात संसारूपी समुद्र है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके जितने वर्ष इस संसार में बीते हैं ऐसा लगता है कि हर दिन आपको तैरने की आवश्यकता पड़े। रोज लाइफ जैकेट पहनो और किसी प्रकार से संसार में जो चल रहा है उसके बीचों बीच अपनी समझ बनाए रखो। हाँ या नहीं? गाड़ी में बैठकर आप बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक में आपको अपनी समझ बना के रखनी पड़ती है। फिर आप काम करने निकलते हो, जहां पर आप कार्यस्थ हो, जो आपका कार्यालय है, वहां पर आपको सबके बीच अपनी समझ बना के रखनी पड़ती है। थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा ऊंच नीच हो गया तो तुरंत तबाही तबाही। घर में भी आपको समझ बूझ बना के रखनी पड़ती है, है ना। एक बार एक व्यक्ति घर में जैसे ही भीतर आए तो किसी ने कहा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसा है वैसा है। तूने कहा भैया दिन भर तो यही करते हुए आए, घर में भी तो थोड़ी शांति मिले। तो घर में कहा कि भाई घर में जो दिन भर अशांति चली थी तो उसके भाग कर तो चले गए थे ना कार्यालय, अब यहां पर भी तो सामना करना पड़ेगा। तो भवसिंधु प्लवो दृष्टो, जो भवसिंधु है संसार रूपी समुद्र है उसमें एक नाव की आवश्यकता है और सबसे योग्य नाव जो है प्लव दृष्ट योग्य नाव वह है हरि भगवान कृष्ण अनुवर्णन। हरि के बारे में जो वर्णन किया गया है वह नाम है। जैसे बहुत थक जाता है आदमी, बहुत त्रस्त हो जाता है आदमी, थोड़ा सा व्यक्ति जब रिलैक्स करने लगता है, करने की इच्छा होती है तो क्या चाहता है, थोड़ा सा कुछ मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देना उसे, रिलैक्सिंग म्यूजिक। पता नहीं सबको अच्छा लगता है रिलैक्सेशन म्यूजिक, आजकल थोड़ा सा ज्यादा प्रचलित हो चुका है। तो साउंड शब्द ध्वनि है उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। समझाया जाता है कि सृष्टि के जो अलग अलग तत्व हुए हैं उनकी शुरुआत शब्द से हुई है, इसलिए शब्द का हर एक तत्व पर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे जल हो, अग्नि हो,
वायु हो, सब पर शब्द का प्रभाव पड़ता है। तो हरि अनुवर्णन अनुवर्णन, लेकिन हरि के बारे में क्या, हरिचर्या, हरिचर्या का अर्थ होता है भगवान की जो अलग अलग जो उनकी कार्य गतिविधियां, हरिचर्या अनुवर्णन। तो जहां पर भी आपको ऐसे नाम का आश्रय मिल जाए, जो व्यक्ति संसार में इंद्रिय सुख के प्रयास में त्रस्त है या उसकी बुद्धि उसे समझाती है, तो उसके लिए यह योग्य नाम है, हरिचर्या अनुवर्णन। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, नाव के समान है, ठीक है। अब नाव कैसे चलाना है, एक बार कई बाराती जो है वो नाव में चढ़ गए, क्योंकि बारात लेकर उन्हें जाना है दूसरे पार, शादी जो है विवाह जो है दूसरे छोर पर है, दूसरे पार। तो बाराती सब नाव में बैठे, शाम का समय था, उन्होंने नाविक से कहा भैया कल सुबह तक पहुंचना है उस पार, तो हमें तो अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं देगा, हम लोग विश्राम करते हैं, अगर आपको कोई भी मदद लगे हमसे तो उठा दीजिएगा, लेकिन आपसे आग्रह यह है कि आप हमें उस पार ले जाएं। नाविक ने कहा घबराइए मत, अपने गांव से ही बारात निकल रही है, योग्य समय पर हम उसे उस पार पहुंचा ही देंगे। रात भर बिचारे नाविक ने मेहनत की, सीना से लथ पथ हो गया, एक क्षण के लिए भी वह नाविक जो है विश्राम नहीं किया। प्रातःकाल सबको उठे, मुंह में दातुन उतुन लेकर बोले कि चलो भाई आ गए हैं, लड़की के गांव पहुंच गए हैं, थोड़ा दातुन उतुन मुंह धोकर आगे का कार्यक्रम करें। नाव से जैसे उतरते हैं तो ऐसा लगता है भाई बहुत पहचाना हुआ जगह है, पता चला कि अपने ही गांव में थे, उस पार पहुंचे ही नहीं। उन्होंने नाविक से पूछा क्या कर रहे थे भैया, तुमने कोई श्रम नहीं किया, उन्होंने कहा रात्र भर श्रम किया। तो रात्र भर श्रम किए तो नाव हिला क्यों नहीं, हम नहीं जानते, हमने तो नाव चला दी। फिर किसी को पता चला कि एंकर, नंगर जो होता है, नंगर जानते हैं, एंकर, नाविक ने उसे उठाया ही नहीं था पानी में से। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि अगर आपको इस नाव का आश्रय लेना है तो जो नंगर है उसे आप उठाएं जरूर। नंगर क्या करता है, आपके नाव को आगे बढ़ने नहीं देता, तो आपके जीवन की नैया जहां पर आप भव सिंधु को पार करने के हेतु से प्रयास कर रहे हैं उसे संसार के मोह में मत अटका कर रखिए। कल हमने बताया था ना आपको उदाहरण कि सारे लोग इस दीवार से लग गए, एक व्यक्ति इस दीवार से, उससे पूछा गया भैया नहीं जाना है भगवत धाम, बोला बिल्कुल जाना है, तो फिर इस दीवार से क्यों लटके, हमें लगा कि आज ही जाना है, समझ रहे हैं इस बात, हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बहुत प्रचलित कथा है, एक संत हुए हैं महाराज तुकाराम, तुकाराम महाराज, कहा जाता है कि उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए एक वैकुंठ यान आया था, साक्षात जब वो जीवित थे
तो जीवित स्वरूप में वैकुंठ यान पर विराजमान होकर वो वैकुंठ गए और सबने इसका दर्शन किया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम भी आपके साथ आए क्या। सब ताली बजाए, वाह वाह वाह, महात्मा जी वापस जा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने नहीं पूछा कि महाराज एक के साथ एक फ्री हो सकता है यहां पर। उनकी पत्नी से उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम अर्धांगिनी हो, इससे जो कुछ हमें फल प्राप्त होता है उसका आधा अधिकार तुम्हारा होता है, इसलिए तुम भी आ जाओ। उन्होंने कहा हम कैसे आ जाए, घर में बच्चों को बड़ा करना है, बच्चे बड़े हो गए थे फिर भी बड़ा करना है। उनके यहाँ पर भैंस थी, उन्होंने कहा इस भैंस को कौन देखेगा, भैंस का कौन रखवाली करेगा। अब भैंस के बारे में कथा यह है, समझाया जाता है कि उनकी वो भैंस उनके मायके से आई थी, तो उन्होंने कहा था हमारे मायके से आई हुई भैंस उसे छोड़ दें पीछे, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए जब हम इस नाव में बैठ जाते हैं जहां पर भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन हो रहा है, तो हमें पूरे मन से और श्रद्धा पूर्वक उसका आश्रय लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो अति पावन इसलिए है कि हमारे मन को वो आकर्षित कर सकता है, जैसे कि सुखदेव महाराज के मन को आकर्षित कर दिया। सुखदेव महाराज बचपन से ही वैरागी पुरुष थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन ग्रहण किया, सुना, तो अत्यंत आकर्षित हुए। 36-37 वैसे तो किसी भी वार्ता कोई भी समाचार से सुखदेव महाराज दूर रहा करते थे, लेकिन एक दिन किसी ने रेडियो लगा दी, किसी ने अपने मोबाइल पर, सुखदेव महाराज को पता ही नहीं था, शुरू कर दिया ऑडियो। यहां पर ऐसा होता है कभी कभी कि कोई अचानक शुरू कर दे, अगर नहीं होता है तो भारत आइए। आप प्लेन में भी बैठे रहेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा कि किसी के फेवरेट लिस्ट में क्या क्या गाने हैं। भारत में लोग जो हैं अपने हित का इतना नहीं सोचते जितना कि दूसरे के हित का सोचते। एक बार हम एक व्यक्ति से मिले, यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो वो भजन सुन रहा था, तो हमने आकर उनसे पूछा कि भाई साहब आप जो हैं कहीं तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। बोले ना, घूमने जा रहे हैं। तो भजन सुन रहे हो? ना ना, भजन सुनते हैं ना, भजन लगा दें तो बाकी लोग थोड़ा चुप रहते हैं। तो शांति रहती है, लोगों को लगता है ना भजन को अब कौन बोले कि बंद करो, लोग बातचीत भी बंद जो है चुपचाप हो जाते हैं। तो 36-37 एकांत लाभम वचसो नपुंसाम, एकांत लाभम वचसो नपुंसाम, सुश्लोक मौले गुणवाद माहु, सुश्लोक मौले गुणवाद माहु, श्रुतेश्च विद्वद् विद्वद्भिरुपाकृतायाम, श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायाम, कथासुधायामुपसंप्रयोगम, कथासुधायामुपसंप्रयोगम। तो ये जो कथासुधा है, कथासुधा अर्थात कथा रूप में जो अमृत प्राप्त हो रहा है, उपसंप्रयोगम, उसका उद्देश्य यही है कि आपको जो भगवान की अमृतवाणी है
या भगवान का जो अमृत अस्तित्व है उससे आपको जोड़ दे। इसलिए यह ऐसी जो कथा सुधा है जहां पर भगवान के क्रिया, उनके गुण इत्यादि का वर्णन हो रहा है, वह अत्यंत लाभदायी होती, अत्यंत लाभदायी है सभी के लिए। तो ऐसे कथा सुधा के समीप रहना, उसके संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। तो जब सुखदेव गोस्वामी को पता चला या उन्होंने श्रवण किया इस कथा सुधा का, उन्होंने पान किया, तो उन्हें और रुचि हुई कि कहां से इसके बारे में और श्रवण करें। तो श्रवण करने हेतु वह अपने पिता व्यासदेव जी के पास गए और व्यासदेव जी ने उन्हें यह ज्ञान दिया, भागवत रूपी अमृत जो है उसका पान करवाया। फिर प्रसंग ऐसा आया एक समय कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं, संत सभा, एकत्रित संत सभा में पहुंचे और वहां पर महाराज परीक्षित को विशेष स्थान प्राप्त था। उस संत सभा में सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध किया गया कि महाराज परीक्षित के जिज्ञासा पूर्ति करने हेतु कुछ कहें। तब सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई और उस संत सभा में सूत गोस्वामी नामक रोमहर्षण सूत, जो बहुत बड़े पौराणिक ज्ञानी माने जाते हैं, व्यास देव जी के शिष्य हैं रोमहर्षण, उनके सुपुत्र सूत, वो भी उस संत सभा में सभा में उपस्थित थे। 3636 तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि यह मेरा अहोभाग्य है कि उस सभा में उपस्थित रहकर सुखो मुखात, सुख के मुख से वो अमृतवाणी जो और स्वादिष्ट और उसका जो मिठास है बढ़ चुका था, उसे हमने ग्रहण किया। तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम् कीर्तिम् हरेस्वाम् सत्कर्तुम् गिरम् मन्याभिधासितम् तो गिरम् अन्याभिधासतीम्। सूत गोस्वामी कहते हैं कि उस सभा में उपस्थित रहते हुए हमने भी उसे श्रवण किया। श्रवण करने में बड़ा आनंद आया। आज आप हमसे अनुरोध कर रहे हो कि हम वह वर्णन पुनः दोहराएं, तो हम में वह योग्यता नहीं है, किंतु क्योंकि हमने गुरुमुख से इसे श्रवण किया है, तो योग्यता ना होते हुए भी उनकी कृपा से हम यथारूप वही वर्णन आपको सुनवाएंगे। और क्योंकि हम यथारूप उसे आपको श्रवण करवाएंगे, अर्थात असती उसमें हम कुछ जोड़ने नहीं वाले हैं, ना ही उसमें कुछ बदल ले आने वाले हैं, क्योंकि हमने अपना स्वभाव जो है सती स्वभाव रखा हुआ है, असती नहीं है। सती अर्थात स्पष्ट, यथार्थ, उसे सती कहते हैं, शुद्ध सती। सत, सत से सती आता है। सत जानते हैं आप सब? सत, सत अर्थ जानते हैं? सत्य से, सत से सत्य शब्द भी आता है ना?
सत धातु, सत्य, सती, ये सब शब्द जो है सत से आते हैं। तो असत, असती, वो कहते हैं क्योंकि अपनी वाणी से ऐसे कुछ कोई भी शब्द नहीं प्रकट करेंगे जो कि शुकदेव गोस्वामी की वाणी से विपरीत हो, इसलिए हमें यह कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम पूरे रूप से पूर्ण तरह हम विश्वास रखते हैं कि आप तक वही वाणी पहुंचेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। तो यह सूत गोस्वामी जो कि वक्ता है श्रीमद् भागवत के, वो अपना परिचय दे रहे हैं। और यह परिचय अति महत्वपूर्ण है कि जब हम संत महात्माओं की वाणी को यथार्थ प्रस्तुत करते हैं तो उस वाणी में दूसरों के हित में या दूसरों के लाभ के लिए जो श्रोतागण होते हैं उनके लाभ हेतु सब कुछ उपस्थित होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि संत महात्मा जो है प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। संत महात्मा कभी भी स्टैंड अलोन नहीं होते, उनका कोई ना कोई एक प्रीवियस वर्जन होता है। वो वर्जन जो है उस समय की जो भाषा है उसके अनुसार प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो गुरु हो जाते हैं, फिर उनका शिष्य जो है अपने समय के अनुकूल उसका प्रस्तुतिकरण करता है। इस प्रकार से संत महात्माओं की वाणी जो है अनंत काल से चली आ रही है, कुछ नवीन नहीं है। और जहां पर भी कुछ नवीन बात आ जाती है, नावीण्य की बात आ जाती है, वहां पर आपको यह विचार करना चाहिए कि इसमें आपका कितना लाभ है। और जो अनंत काल से संत महात्माओं की वाणी आ रही है उसमें आप निसंकोच उसे ग्रहण करके प्रयास कर सकते हो। एक बार एक व्यक्ति जो है अखाड़े आया, अखाड़े जानते हैं पहलवान जहां पर कुश्ती करते हैं, तो कुश्ती का अखाड़ा। उसने कहा कि मुझे पहलवान बनना है, तो सबने कहा, उसके ऊपर थोड़ी सी दया की लोगों ने, किसी ने कहा कि देखो भैया अच्छी बात है लेकिन नहीं बन पाओगे पहलवान। उसने कहा ना, मुझे उच्च कोटि का पहलवान बनना है, कम से कम अपने जीवन काल में मुझे एक जो है खिताब जीतना ही, एक ट्रॉफी जीतना ही है मैंने। तो बहुत लोगों ने उसे समझाया कि नहीं, उसने कहा ना ये बनना ही है, उसके लिए जितना भी अभ्यास करना हो हम करने के लिए तैयार है। अखाड़े के जो गुरु थे उनके पास वो पहुंचे, गुरुजी ने उनको देखा और कहा कि नहीं होगा तुमसे। उन्होंने कहा गुरुजी नहीं, हमें पहलवान बनना ही है। तो उसके इस हट को देखकर गुरुजी ने कहा ठीक है, कल से आ जाओ, सिखाएंगे तुमको। अब सबको इसलिए उसे बोल रहे थे कि नहीं बन सकते क्योंकि उसका वो एक हत्ता था, एक ही हाथ था उसके पास, एक ही बांह, वन हैंड, जस्ट वन हैंड हट। सोचिए हमारे पास दो दो हाथ, एक मुंह, दो आंख, फिर भी 16 माला जप करने में परेशान है, सेवा करने परेशान थे। हट, इस व्यक्ति ने हट कर लिया, एक ही हाथ है, पहलवान बनना है और जीतना भी है। गुरु जी ने कहा बिल्कुल आ जाओ। गुरु जी ने उसे सिखाना शुरू किया, पहले जितना भी है शरीर को एकदम सख्त बनाने की जितनी भी प्रक्रिया थी वो दे दी। उसके बाद उन्होंने पैंतरा सिखाया, पैंतरा जानते हैं, टेक्निक सिखाना शुरू किया।
अब वो टेक्निक सिखा रहे हैं गुरु जी, वो सीख रहा है, सिखा रहे हैं गुरु जी, वो सीख रहा है, सिखा रहे हैं गुरु जी, इतना परफेक्ट हो गया, निष्णात हो गया उस टेक्निक में। देखिए आप सब लोग जग गए, जब तक हम भागवत के बारे में कुछ कहते हैं तो थोड़ी नींद आती है, लेकिन ऐसे कुछ मोटिवेशनल कुछ बात होनी चाहिए ना। तो इतना निष्णात हो गया वो कि गुरुजी ने कहा बिल्कुल तुम तैयार हो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तैयार किस चीज के लिए? कुश्ती के लिए, द्वंद कंपटीशन के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कंपटीशन के लिए कैसे तैयार है भैया, आपने खाली एक ही पैंतरा सिखाया, एक ही तकनीक। गुरुजी ने कहा उसे ठीक से समझो, उसे ध्यान में रखो, उसी का प्रयोग करो। लेकिन बाकी लोगों को तो आप और भी सिखाते हो, गुरुजी ने कहा ये खाली सीख लो, इसमें ही ध्यान लगाया रखो। तो गुरुजी आप इसलिए तो नहीं बोले क्योंकि खाली मेरा दाहिना हाथ है बायां नहीं है। गुरुजी ने कहा प्रश्न मत पूछो। तो उसे गुरु पर श्रद्धा थी, थोड़ा बहुत जिज्ञासा की उसने, जो उसे डर लग रहा था, ऐसी चिंता थी। उसके बाद गुरु ने कहा प्रश्न मत पूछो, अगर तुमको तुम इस जो है टेक्निक में पूरी तरह से निष्णात हो चुके हो, अच्छे हो चुके हो, जाओ द्वंद्व कर लो। तो आया कंपटीशन का समय, लोगों ने देखा, लोग जो है चौक गए, लोगों ने सोचा रही है क्या कर दिया। गुरु जी का बहुत नाम था, गुरु जी ने किसे उतार दिया मतलब क्या है, लेकिन गुरु जी का नाम था तो लोगों ने भी सोचा कि चेला जो है इतना हल्का होगा नहीं, प्रसिद्ध गुरु जी थे। तो चेला जब भी उतरे मैदान में और द्वंद्व करे, कुश्ती करे, जीत जावे, जब भी उतरे जीत जावे, अगला कॉम्पिटिटर आए जीत जावे, चार पांच लोगों को परास्त करकर अव्वल क्रमांक प्राप्त कर लिया उसने। अब आप सोच रहे कहानी है, ऐसा हो सकता है कहानी? फर्स्ट नंबर वन, वो गुरु जी के जाके चरण पकड़ लिया उसने, गुरु जी आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। बाकी लोगों ने पूछा गुरु जी हम भी तो आपके पास सीखने आते हैं, अब तो हमको और भी टेक्निक सिखाते हो, हमें क्या कमी रह गई? गुरु जी ने कहा वो एक निष्ठ है। उन्होंने कहा हम भी तो हैं, हाँ, लेकिन उसे पता है कि अगर जो उसे सिखाया टेक्निक, उसे कोई और टेक्निक आती नहीं, बस वही आती है। तो इसलिए उसका मन पूरी तरह से उसमें ही अटका हुआ है ना। तुमने कहा गुरु जी आप हमें भी बता देते, एक ही टेक्निक सिखाते। बोले नहीं, तुम्हारे पास दो हाथ है, नहीं सिखा सकता, ये टेक्निक तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि जब वो पैंतरा सामने रखता है तो उसका प्रतिद्वंद्वी अगर उस पैंतरे को तोड़ना चाहता है तो उसके लिए उसे बायां हाथ पकड़ना पड़ेगा। सामने वाले को उसका बायां हाथ पकड़ना पड़ेगा, इसके पास बायां हाथ है ही, तो वो परास्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप एकनिष्ठ हो जाए तो फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप जगह जगह भ्रांत भ्रांत जो है घूमते रहे तो फल प्राप्त होने के बाद भी आपके मन में रहेगा ओ हो हो इस डाली का फल मिला, उस डाली का तो नहीं मिला, चिंतित रहोगे। ठीक है, तो चलिए, सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो सूत गोस्वामी ने श्रवण किया। सूत गोस्वामी ने कहा कि मेरी योग्यता बस इतनी ही है कि एक निष्ठता से हमने ग्रहण किया और एक निष्ठता से उसे दोहरा रहे हैं। और यही किसी भी कथा का, किसी भी कथा की सफलता यही होती है, खास करके जो भगवान संबंधित कथा होती है। जितना हम जो है
शास्त्र में और आचार्यों के वाणियों में भगवान की कथा समझाई गई है, जितना हम उसे दोहराएंगे उतना ही हृदय को सुंदर लगेगा, उतना ही हमें वो पसंद आएगा। लेकिन जितनी हम इधर उधर की बातें करते जाएंगे आनंद आएगा लेकिन हृदय में वो बात उतरेगी नहीं। तो सूत गोस्वामी कथा सुनाने लगे, उन्होंने कहा कि जब व्यासदेव जी से मिलकर नारद मुनि चले गए, उन्हें समझाया कि आपने ऐसा एक ग्रंथ प्रस्तुत करना है जिसमें भगवान की खाली कीर्ति हो, कुछ और नहीं, खाली कीर्ति, उसमें किसी को कोई और लाभ ना दिखे सिवाय यह कि भगवान के कीर्ति के उनके कथा का वो आश्रय ले, तभी आप संतुष्ट हो पाओगे। तो इसके पूर्व व्यासदेव जी की भगवान का की कथा किया करते थे, ऐसे नहीं कि नहीं किया करते थे, ऐसे नहीं कि अचानक व्यासदेव जी ने कुछ नया लिख लिया था ना, कीर्तिगान करते थे व्यासदेव जी, कथावाचक थे। लेकिन कभी भी ऐसा एक संकलन नहीं किया उन्होंने जहां पर शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ हरि कथा ही हो, जहां पर मात्र भगवान श्री हरि का आश्रय ही लक्ष्य हो, बीच बीच में कुछ और धर्म को लेकर या अर्थ को लेकर इत्यादि को लेकर वो कोई ना कोई कथा कर दी कह देते थे। तो अब उन्होंने निश्चय किया कि ऐसी एक कथा पुस्तिका एक ग्रंथ जो है वो निर्मित करेंगे। तो उसके लिए वो ध्यान में बैठ गए, ध्यान करने लगे कि इस कथा के श्रोता कौन होंगे, क्योंकि जब तक आप श्रोता का ध्यान नहीं करोगे तब तक आप अपने कथा का स्वरूप जो है वो समझ नहीं पाओगे, है ना। एक बार श्री प्रभुपाद जी जो हैं किसी कंपनी में गए थे प्रचार करने के लिए, तो प्रचार करते हुए उन्होंने उन्हें समझाया कि कैसे आपको अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसी दिन एक पाठशाला में गए, वहां पर उन्होंने बच्चों को समझाया कि आत्मा क्या होता है शरीर क्या होता है। तो लोगों ने पूछा प्रभुपाद जी वहां पर तो आप जो है आत्मा शरीर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किए, और स्कूल में जो ग्रेड 7 ग्रेड 8 के बच्चे थे उनको आप बता रहे हो दिस इज सोल दिस इज बॉडी। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने प्रयास किया उन लोगों को समझाऊं लेकिन मैं देखा कि उनका मन भटका हुआ है। स्कूल में जब गया बच्चों को मैंने बताया तो बच्चे जो हैं एक निष्ठता से श्रवण कर रहे थे, उनको बड़ा ही विशेष लगा, ओ आत्मा होता है शरीर होता है। एक बार एक क्लास में एक शिक्षिका ने बच्चों से पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, एक बच्चे ने कहा हाथ ऊपर उठाकर, वो शिक्षिका ने पूछा हाँ बेटा बताओ कहाँ होते हैं भगवान, उन्होंने कहा भगवान आसमान में होते हैं। दूसरे बच्चे ने हाथ उठाया उन्होंने कहा बेटा अब भी बताओ कहाँ होते हैं भगवान, भगवान वैकुंठ में होते हैं। तीसरे बच्चे ने हाथ उठाया उन्होंने पूछा भगवान कहाँ होते हैं, उन्होंने कहा भगवान जो है हृदय में होते हैं। चौथे बच्चे ने हाथ उठाया उनसे पूछा गया कहाँ होते हैं भगवान, उसने कहा बाथरूम में होते हैं। बाथरूम में होते बेटा, हाँ रोज सवेरे हमारे पिताजी बाथरूम के दरवाजे के सामने खटखटाते अरे भगवान कब बाहर निकलोगे। व्यासदेव जी बैठे ध्यान करने कि श्रोता कौन है, किसे यह ज्ञान दिया जब अनुसरण फायो, तो विचार कर रहे थे श्रोतागणों पर, और विचार करते हुए उन्होंने देखा कि संसार में सब कोई सम्मोहित है,
यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुतेनर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते। कि हर कोई, हर जीव जो है संसार में, क्योंकि उसने शरीर धारण किया हुआ है, ये शरीर उसके शुद्ध चेतना को आवृत कर देता है। उसकी शुद्ध चेतना जो है इस प्रकृति से परे है। हाथी कुछ सर्कस में या अपने जू में देखा हुआ है, हाथी बंधा हुआ देखा हुआ है। बंधा हुआ हाथी इतने छोटे से खूंटी से बंधा हुआ होता है, इतने पतले से रस्सी से बंधा हुआ होता है। कभी कभी आपको लगता है कि जिस दिन इस हाथी को समझ में आ जाए कि उसमें कितनी शक्ति है, एक खींचेगा और सारी रस्सी और पूरा खूंटी जो है निकल आएगा। कभी आपने विचार किया कि हाथी इतने पतले से रस्सी से या चेन से कैसे बंधा रहता है? उसका पैर बंधा रहता है ना, पतला सा, मतलब हमें लगता है कि मोटा सा चेन है, लेकिन काफी उसकी इतनी शक्ति नहीं होती जितनी कि हाथी की शक्ति होती। तो माहुत से पूछा हमने एक बार कि ये हाथी ऐसे बंधा कैसे रहता है, तो उसने समझाया इसको बचपन से हम आदत डलवाते हैं। बचपन में यही चेन जो है उसके लिए बंधन होता है, उसको तोड़ नहीं पाता, और हर दिन बांध कर बांधते जब उसे बड़ा हो जाता है तो उसकी आदत पड़ जाती है, उसे लगता है कि इस चेन को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। तो हाथी चेन से ज्यादा शक्तिशाली है, खूंटी से ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन उसे लगता है कि ना मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। उसी प्रकार से आत्मानम जो जीव है, त्रिगुणात्मकम, तीन गुणों से परे है, अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उस आत्मा को लगता है हाय जब तक जीव को स्वाद ना मिले तब तक मैं जी नहीं पाऊंगा, जब तक आंख को कुछ सुंदर ना दिखे तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा, आदत हो जाती है उसकी। तो ऐसे आदतों में फंसा हुआ जीव वो अनेकों अनेक समस्याओं में फंस जाता है, अनेकों अनेक समस्याओं में। एक बार एक यंग, मतलब हैपनिंग, इसे आप कहते हैं ना कि जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो मतलब उसे पता था कि मैं आगे बहुत जाने वाला हूं, वो अपने कंपनी के पार्टी में आता है, उसे वहां पर एक सीनियर दिखता है। सीनियर किसी महिला से बात करता है, करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सीनियर, फिर वो महिला जो है कहीं जाती है, सीनियर बड़ा सीरियसली उससे बात किया, मतलब थोड़ा सा उसे ऐसे, उस जूनियर को लगा कि उसका सीनियर जो है थोड़ा सा घबराया नहीं हुए, थोड़ा सा तंग है, खुलकर बात नहीं कर। तो महिला चली गई, उसने कहा सर इट इज नॉट इजी टू डील विथ वुमेन, आई कम विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, I also have a wife. My daughter is different. The senior bolta, that was my daughter. समस्या में फंस जाता रहती है ऐसे, अनेकों अनेक समस्या में फंसता है। इसलिए व्यासदेव जी विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगला 6, कैसे इन आदतों से उसे बाहर निकालकर सतबुद्धि उसे प्राप्त हो जाए, ताकि वह निश्चिंत होकर, मुक्त होकर, उन्मुक्त होकर जो है कार्य करे।
अनर्थो पशमं साक्षात् भक्ति योगं मधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिता। तो उनको इस सम्मोहन से बाहर निकालने के लिए और उनकी जो पीड़ा है जिससे वो पीड़ित रहते हैं और उसका ऐसे कहिए कि उत्पीड़ित रहते हैं, स्वयं से ही वो उस पीड़ा को जन्म देते हैं, उससे बाहर निकले, उससे मुक्त हो जाएं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सात्वत संहिता। जो सात्वत संहिता है, जो भगवान से संबंधित संहिता है, सत सत से आता है शब्द सात्वत, सत से संबंधित। तो जो भगवान से संबंधित संहिता, संहिता अर्थात विवरण, ऐसी संहिता जो है चक्र, उन्होंने उसे प्रस्तुत किया। और व्यासदेव जी ने जब उसको प्रस्तुत किया तो उन्हें देखा कि इसके प्रस्तुतीकरण से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो क्या लाभ मिल सकता है, क्योंकि बिना लाभ के तो हम कोई कार्य करेंगे नहीं। अगर आप कह रहे हो, व्यासदेव जी हमें समझा रहे हैं कि भैया समस्या में पढ़ते जाते हो, तो आदमी सोचता है ठीक है, बीच बीच में थोड़ा मन बहल भी जाता है, तो फिर व्यासदेव जी को समझाना पड़ेगा कि आपको फायदा होगा, इसमें लाभ होगा। तो लाभ क्या है, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। शोक मोह और भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, बहुत आवश्यक, क्योंकि अगर हमें शोक से मोह से भय से कोई बाहर निकलवा दे तो हम तो उसके पूरी तरह से फैन हो जाएंगे। शोक अर्थात चिंता, किसी चीज के लिए हमेशा रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना। मोह अर्थात भ्रम, मन में अपने काल्पनिक जगत में ही रहते रहना कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे होगा, आप कुछ कर नहीं रहे हो, नहीं हो जाएगा। और भय, भय अपने आप में एक महासंसार है। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने भय के ऊपर कुछ लिखा है, वो कहते हैं भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालात भयम माने दैन्य भयम बल रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्वं वस्तु भयंदितं भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम्। तो समझाते हैं कि किस किस चीज से व्यक्ति भयभीत होता है। भोगे रोग भयम्, जिसको बहुत अलग अलग प्रकार के खाने की आदत होती है ना, अलग अलग स्वाद के, उसे डर लगता है कि बीमार हो जाऊं, नहीं खा पाऊं। तो बहुत उसमें परेशान हो जाता है, बीमारी हाय खाने को नहीं मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति को, अच्छा हर चीज के लिए तो चुटकुला नहीं सुना सकते, एक सुना देते। एक बार एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर कि तुम्हें मधुमेह की बीमारी हो चुकी है, डायबिटीज, तुम्हें मीठा कम करना पड़ेगा। डॉक्टर बोले बिल्कुल आधा कम, आधा कर देंगे। डॉक्टर हम जानते तुम कितना खाते हो, कम मतलब नहीं, नहीं खाना है तुमने मीठा। बोले डॉक्टर इससे अच्छा तो मार डालो हमें। डॉक्टर ने बोला वो कर सकता तो कर देता लेकिन कर नहीं पाऊंगा।
मीठा तुमने नहीं खाना है, अब तो थोड़ी सी रियायत दे दो, थोड़ा सा लिटिल। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, रोज आधे लड्डू खाना, आधे से ज्यादा नहीं, आधा बूंदी का लड्डू, उससे ज्यादा नहीं खाना है तुमने दिन का। डॉक्टर जी आपने प्राण रख लिया हमारे। 8 दिन के बाद वो आता है वापस चेकअप के लिए, वो शुगर लेवल इतना ऊपर चला गया। डॉक्टर ने कहा भैया कितना खा रहे हो? बोले बिल्कुल आधा लड्डू। डॉक्टर को विश्वास ना हुए, डॉक्टर ने कहां दिखाओ? बोले घर आ जाइए आप, ब्रेकफास्ट के समय हम खाते हैं, कल ब्रेकफास्ट के समय आ जाए। तो ब्रेकफास्ट के समय में खाली एक परात इतनी बड़ी। बोले इतना बड़ा क्यों चाहिए आधा लड्डू का? आपने कहा ना आधा लड्डू खाना है, इतनी बड़ी परात क्यों चाहिए? बोले रुकिए। तब तो धड़ धड़ करके ऐसे जब वो कंटेनर लेकर आते ना बड़ा सा ट्रॉली के ऊपर कंटेनर है, उसमें इतना बड़ा आधा लड्डू, 20 किलो का लड्डू बनाकर उसको आधा कर दिया, 10 किलो का लड्डू खा रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टर आपने आधा कहा था, हमने आधा। तो भोगे रोग भयम। मुंबई से एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे सूरत, तो वलसाड़ में ट्रेन रुकती है, आप लोग जानते हैं वलसाड़, मुंबई सूरत वलसाड़। मोटा भाई चढ़ गया उसमें, मोटा भाई सामने वाली सीट पर, हम यहां पर गुजराती, आप तो जानते हैं गुजराती लोग जब चलते हैं तो कितना कुछ लेकर चलते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा गांव लेकर चल रहे हैं। उसने कहा महाराज आप भी ढोकला मीठा नगाना ठीक है। फिर खाना शुरू करने के पहले उसने हाथ जोड़े, फिर पॉकेट में हाथ डाला, कुछ तो निकाला, शर्ट ऊपर किया, फच करके मारा पेट में। हमने कहा ये क्या है? इंसुलिन। हमने उसे कहा क्यों? बोले एकदम मस्त है, आप भी ले लो। एक ये लगाना पेट में, उसके जो खाना खा। हम ये बना सत्य कथा है ये। तो भोगी रोग भयम कुल चुति भयम। अगर कोई बहुत बड़े परिवार का, उसे लगता है कि हमारे खानदान का नाम कहां से, उसको डर लगता है नाक ना कट जाए। हमेशा होते हैं ना फिल्मी डायलॉग, बेटा ध्यान रखना कि हमारे खानदान की नाक कहीं ना कट जाए। लोग ढूंढते रहते हैं नाक है कहां खानदान की, लेकिन कटनी नहीं चाहिए, नाक हो ना हो कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, वित्ते नृपालात भयम। पैसा आप कमाते हो तो किससे डर लगता है? टैक्स मांगने वाले गवर्नमेंट से, कि पता नहीं अब क्या करेंगे, टैक्स कैसे और बढ़ाएंगे। चोर से तो कौन डरता है, इतना पैसा कमा रहा चतुर आदमी है, टैक्स भरने से कैसे? निर्पालात भयम माने दैन्य भयम, जिसको बहुत सम्मान मिला हुआ है उसका डर होता है कहीं कोई अपमानित ना कर दे। बल रिपु भयम, जो बलवान होता है उसका डर लगता है कि कहीं उसका प्रतिद्वंद्वी ना आ जाए जो उससे अधिक बलवान हो। रूपे जराया भयम, जिसे लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं, एक झुर्री से उसे डर लगने लगता है, चेहरे पर एक झुर्री आ जाए तो उसे बहुत डर लगता है। तो ऐसे शास्त्रवादी भयम, जो बहुत ज्ञानी होता है उसे डिबेट से डर लगता है कि डिबेट में कहीं हार ना जाए। गुणे खल भयम, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो डरता है कहीं अवगुण ना जाए उसमें। तो इस प्रकार से भय अलग अलग चीजों से होती है और व्यक्ति उससे त्रस्त होता है। तो इसलिए व्यासदेव जी समझा रहे हैं कि अगर आपने ना, व्यासदेव जी विचार कर रहे हैं कि लोगों की समस्या है क्या, लोगों की समस्या है कि इन चीजों से हमेशा वो परेशान रहते हैं, शोक मोह और भय, उसके लिए
क्या सातवत संहिता में दे रहा हूं। तो श्रीमद भागवत जो है उसके आश्रय लेने से यह लाभ होता है। किंतु इसमें श्रद्धा रखनी बहुत आवश्यक है। अगर हमारी पूरी तरह से श्रद्धा नहीं है तो इसे हम साधारण पुस्तक के रूप में समझने लगेंगे और समय समय पर उसे निकालेंगे। हमारे यहां ना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग गुरुकुल में सिखाया करते थे। बच्चे जो हैं रहते थे गुरुकुल था, तो सवेरे बेचारे बच्चों को उठना पड़ता था। वो जो नित्य कर्म है उसके हिसाब से उठते थे। वो भी 6 बजे के आसपास उठते थे। बच्चों को हम लोग सब जो है 3:30-4 बजे उठ जाते थे, लेकिन बच्चों को 6:30-6:30 उठाते थे। 6:30 बजे तक उन्होंने मंदिर में आना है। 6:30 बजे जो है सारे भक्त बैठकर 7:30 बजे तक, 5 बजे से हम लोग जप करते हैं 7:15-7 बजे तक, लेकिन बच्चों के लिए 6:30 बजे आ जाए ऊपर और जप करें। जप मतलब माला होती है, 108 मुनियों की माला, उसमें जप करते हैं। तो एक बच्चा जो है वो इतने अच्छे से जप करता था, ऐसे गौमुखी होती ना, गौमुखी जिसे आप लोग बीडबैग कहते हैं, बीडबैग गौमुखी, उसमें हाथ रखकर उसने देखा था कि हम लोग भी जप करते हैं तो कभी कभी ऐसे हरे कृष्ण ऐसे माला को खींचते रहते हैं ना, और कुछ लोग जो है ऐसे ऐसे करते रहते हैं जैसे कि माला को दूर है, दोहन करते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे। तो बच्चा भी ऐसे करता था हरे कृष्ण 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 हरे। और हम लोग ने कहा था कि बच्चों कम से कम 3 या 4 माला, कम से कम 3 करो या 4 माला, तो आधे घंटे में हो जाएगा। तो बच्चा जो है हरे कृष्ण करके घूमता था। फिर उससे पूछते थे, और सबसे पहले उसकी माला खत्म हो जाते थे। हम लोग पूछते थे, हो गया बेटा? हाँ हो गया। तो किसी को एक दिन शंका आ गई, उन्हें कह दे रहा हूं कैसे हो गए तुम्हारी माला? बोले ऐसे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। तो उसके हाथ से गौमुखी ले ली हमने। गौमुखी लेने के बाद पता चला कि अंदर माला ही नहीं है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जब होए तब व्यक्ति जो है मन लगाकर श्रीमद् भागवत को ग्रहण कर सकता है। तमोपयातम प्रतियन्तु विप्र गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। तो जब सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध कर रहे थे परीक्षित जी महाराज, तो परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि हे गुरु जी, यह मेरा आश्वासन है, आप हमें पूरी तरह से एक समर्पित शिष्य के रूप में स्वीकारें। मां गंगा यहां पर है, मां गंगा का आश्रय लेते हुए और मां गंगा को वचन देते हुए हम ये कह रहे हैं साक्षात भगवान कृष्ण जो है वो विराजमान है हृदय में, साक्षी के रूप में उन्हें मानते हुए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पूर्णतया निसंकोच होकर हमें ज्ञान दीजिए, हम श्रवण करेंगे। विचार मत कीजिए कि हमें भूख लगे प्यास लगे नींद आए, नहीं आएगी। इस बात पर भी आप ध्यान मत दीजिए कि हमें भय हो रहा है कि हमारी मृत्यु होगी। वो चाहे कोई भी श्राप का फल क्यों ना हो जिसकी वजह से मृत्यु के रूप में
वो सर्प रूपी पक्षी आकर हमें डसेगा, तक्षक नाम का, उससे हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी चिंता इतनी है कि कहीं हमारी गलतियों की वजह से आप ये कथा सुधा जो है उसको विराम ना दे दें। अविराम आप कथा करते रहें और निश्चिंत रहें कि अविराम बिना रुके हुए अनइंटरप्टेड हम श्रवण करेंगे। तो आप विष्णु गाथा ये कथा करते रहें। तो सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करने के उपरांत सूत गोस्वामी कहते हैं ऋषि मुनियों से नैमिषारण्य में कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध जब समाप्त हुआ तो करोड़ों में सैनिक जो है, करोड़ों में सेनापति, शतकों में सेनापति जो है, सब धाराशाही हो चुके थे। महाराज युधिष्ठिर विजयी हो चुके थे। युद्ध समाप्त हो चुका है। तो जब समाप्ति हो गई तो गुरुजन ने कहा कि महाराज जी, जाकर जो दिवंगत आत्मा है, जो आपके परिवार के हैं और अन्य जो यहां पर अन्य जितने भी सैनिक धाराशाही हुए हैं, मृत हो चुके हैं, उनके परिवार जन जो है आकर अंतिम क्रिया कर लें, तत्पश्चात तर्पण करते हुए जल प्रदान करें गंगा जी। तो युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सुभद्रा, महारानी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी इत्यादि सब जो हैं गंगा जी के तट आए, दिवंगत आत्माओं को जल अर्पण करने हेतु। तत्पश्चात जब वो कार्यक्रम पूर्ण हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब हमें आज्ञा दें आप, हम द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सबको प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण जो है रथ पर, अपने रथ पर चढ़ रहे थे 189, और सारे लोग जो है देख रहे हैं कि भगवान जो है अब प्रस्थान कर रहे हैं, करने वाले। तो उस समय एक ध्वनि सुनाई थी, पाही पाही महायोगिन, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, नान्यं त्वदभयं पश्ये, यत्र मृत्यो परस्परम, यत्र मृत्यो परस्परम। एक महिला दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास आई। उन्होंने कहा, हे महायोगी कृष्ण, पाही पाही, रक्षा करो, रक्षा करो, हे देवता, देवताओं के देव, हे जगत के स्वामी, आपके अलावा कोई और नहीं है जो मेरी रक्षा कर पाए। नान्यं त्वद अभयं पश्ये, अभय दान करो प्रभु, यहां पर कोई नहीं है सक्षम हमारी रक्षा करने में। इनका नाम था उत्तरा। तो उत्तरा जो है दौड़े हुए हैं। अब प्रसंग ऐसा है, सूत गोस्वामी उसके पूर्व समझाते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ आखिरी दिन 18वें दिन, कर्ण एकमात्र
कौरवों की तरफ से सेनापति बचे हुए थे, उनके पास जो सेना थी पूरी तरह से परास्त हो गई थी, कर्ण भी जो हैं मृत हो चुके थे, दुर्योधन गायब था। कृष्ण ने अर्जुन और भीमसेन से कहा कि दुर्योधन को पकड़ना जरूरी है, जब तक उसे पकड़ेंगे नहीं तब तक युद्ध समाप्त नहीं हो सकता, उसे हस्ताक्षर करना पड़ेगा विजय पत्र पर कि हाँ हम पराजित हो चुके हैं, आप लोग विजयी हो चुके हो। तो दुर्योधन की खोज में जब निकले तो दुर्योधन जो है गुप्त रूप में एक सरोवर के जल में समाधि लगाकर योग साधना से छिपे हुए थे। तो वहां पर दुर्योधन पकड़े गए, भीम के साथ गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो दुर्योधन जो है जानते थे कि अब धीरे धीरे उनके प्राण जाने वाले हैं। तो दुर्योधन को वहीं पर छोड़कर कृष्ण अर्जुन जो है वापस अपने कैंप जा रहे हैं भीमसेन के साथ। बलराम जी भी आए थे, बलराम जी भी निकल गए स्वस्ति वचन कह के कि हाँ दुर्योधन जी ने उनसे प्रार्थना की, तो उस समय के का जो भी रीत था उसके हिसाब से दुर्योधन जी समाधि में चले गए थे। ध्यान हुए कि ध्यान करते हुए शरीर त्यागेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो अकेले थे तो रात्रि में अश्वत्थामा जी है, अश्वत्थामा जी ने कहा कि मैंने पांडवों का अंत कर दिया। दुर्योधन ने कहा असंभव, कहा ना सिर्फ पांडवों को अंत ही नहीं किया है, सर तन से जुदा कर दिया। दुर्योधन ने कहा बताओ, तो पांच सर लेकर आए थे वो अंधेरे में, दुर्योधन ने उसका स्पर्श किया। दुर्योधन ने कहा ये योद्धाओं के सर नहीं है, ये बालकों के सर है। तब अश्वत्थामा जी ने बताया कि हाँ मुझे पांडव नहीं मिले तो हमने उनके वंशावली का अंत कर दिया। दुर्योधन खूब डांटा और कहा कि तुम दूर चले जाओ, तुमने इतना गलत काम किया है, गुरु पुत्र हो मित्र हो इसलिए इससे ज्यादा आप शब्द नहीं कह सकता, लेकिन चले जाओ छोड़ दो मुझे अकेला। क्या इतना दुर्भाग्य नहीं है कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि अब शिशु हत्या का पाप भी मेरे सर लगे, बाल हत्या का पाप। तो अश्वत्थामा जी चले गए वहां से। तब तक कृष्ण अर्जुन पहुंचे, वहां पर तो हाहाकार मच चुका था। जब कृष्ण और अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने इस प्रकार से कार्य किया है, तो अर्जुन ने कहा, द्रौपदी भी रो रही थी, अर्जुन ने कहा कि रो मत, हम आपसे आपको ये वचन देते हैं कि आपके संतानों का जो हत्यारा है उसे हम जरूर दंड देंगे। तो दोनों जो है रथ पर चढ़कर पीछा करने लगे अश्वत्थाम का। अश्वत्थाम ने बहुत प्रयास किया दौड़ने का, लेकिन घोड़ा थक गया, रथ आगे नहीं जा रहा था, तो रथ से उतरकर दौड़ने लगा। कृष्ण अर्जुन ने पीछा करकर उसे पकड़ ही लिया। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने द्रौपदी से कहा था कि इसे दंड दोगे, उसके हत्यारे को, उसके संतानों के हत्यारे को, और इसने इतना जघन्य पाप किया है कि शास्त्रों के अनुसार तो लिखा हुआ है मृत्यु दंड ही, क्या करना चाहते हो? अर्जुन जी ने देखा कि ये तो गुरु पुत्र है, उन्होंने सोचा कि इसे बंदी बनाकर द्रौपदी जी के सामने लाया जाए। द्रौपदी जी के सामने लाया गया। द्रौपदी जी ने देखा और कहा कि गुरु का बहुत ऋण होता है शिष्य पर,
और शिष्य व ऋण जो है गुरु के परिवार की सेवा करके करता है। एक तो इन्होंने गुरु के गुरु संतान होते हुए बहुत जघन्य काम किया, जघन्य कृत्य किया है, जिसका जीवन भर इनको वह जो गिल्ट है उसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन इनकी माता जो है उन्हें ऐसी पीड़ा ना हो जैसी पीड़ा मुझे हो रही है, संतान विहीन होने की पीड़ा ना हो, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दें। भीमसेन ने कहा बिल्कुल नहीं, दंड मिलना चाहिए उनको। बाकी नकुल सहदेव उन्होंने कहा कि बिल्कुल योग्य बात है, गुरु पुत्र के साथ व्यवहार योग्य रूप से उचित रूप से करना चाहिए, दंड जो है उचित रूप से देना चाहिए। तो कृष्ण ने फिर कहा कि अर्जुन अब ऐसा तुम्हें कुछ ना कुछ करना है जिससे कि भीमसेन जो शास्त्रयुक्त बात कह रहे हैं वो भी सही होए और द्रौपदी जो शास्त्रयुक्त बात कह रही है वो भी योग्य ठहरे। तो अर्जुन जी ने जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था उसका ध्यान करते हुए जहां पर दंड भाग है शास्त्रों का, दंड कैसे देना चाहिए, तो उसके अनुसार उन्होंने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के बाल जो है छिल दिए, जो बहुत ही अपमानजनक बात होती है। और उनके पास जो एक दिव्य रत्न था उनके मस्तिष्क में उसे निकाल दिया जिससे कि उनका तेज कम हो गया। और उन्हें रिहा कर दिया, ये योग्य दंड था। अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया गया। तो दूसरे दिन जब तर्पण के लिए सबको पहुंचे तो उस समय दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, रक्षा करो कृष्ण रक्षा करो। जब अर्जुन जी अश्वत्थामा को पकड़ने जा रहे थे तो और एक बात और एक घटना घटी थी। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र विद्या थी, ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या। अश्वत्थामा ने डर के कारण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, उसने विचार नहीं किया कि अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। अपने को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। चारों ओर ब्रह्मास्त्र का वो विकराल स्वरूप प्रकाश जो है फैलने लगा, हाहाकार मच गया संपूर्ण ब्रह्मांड में। अर्जुन जी भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर पूछने लगे प्रभु ये क्या है माया, मेरे मन में बहुत भय उत्पन्न हो चुका है, आप मेरे समक्ष हो फिर भी चिंता हो रही है कि कहीं संसार नष्ट ना हो जाए, कृपया करके मन का यह जो वेग है, यह जो चिंता है उसे आप दूर कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और उसके पास ज्ञान नहीं है कि उसे कैसे रोका जाए, उसे वापस कैसे लिया जाए। तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान है और उसे वापस लेने का ज्ञान है, प्रयोग करो अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का। अर्जुन जी ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र के आमने सामने आने से महा विस्फोट, प्रकाश में विस्फोट हुआ, सब जगह चिल्लाहट हुई, मानो जैसे कि काल जो है साक्षात प्रकट हुए हैं। और तब अर्जुन जी ने दोनों ही ब्रह्मास्त्र को खींच लिया, शांति आ गई। उसके बाद अर्जुन जी ने बंदी बनाया था अश्वत्थामा। तो दूसरे दिन जब दौड़े हुए उत्तरा आई तो उत्तरा ने कहा प्रभु पता नहीं क्यों मेरे पीछे एक दिव्य अस्त्र लगा हुआ है और मैं पूरी तरह से
जानती हूं, मेरा विश्वास है कि ये मेरे गर्भ को नष्ट करने आया हुआ है। उत्तरा के गर्भ में कुरु वंश का एक आखिरी व्यक्तित्व था, अभिमन्यु और उत्तरा की संतान। भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ने वाले थे, उस समय दौड़ी हुई उत्तरा आई। उत्तरा कभी अर्जुन के पास नहीं गई, अर्जुन के पास उन्होंने, वो जानती थी कि ब्रह्मास्त्र विद्या है, वो जानती थी दूसरे भी पराक्रमी व्यक्ति हैं जैसे भीमसेन इत्यादि, वो सीधे कृष्ण के पास पहुंची। और कृष्ण ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया, जो गर्भ में उस संतान ने जिसका दर्शन किया। 12 गर्भ में उस संतान ने क्या दर्शन किया उत्तरा के गर्भ में, अंगुष्ठ मात्रम अमलम अपिव्यदर्शनम श्यामम त्रिदवासनमच्युतम। उस शिशु ने देखा कि अंगूठे भर की ऊंचाई का एक बड़ा ही तेजस्वी व्यक्ति, जो दिखने में इतना सुंदर है, श्याम वर्ण का है, उसने पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ है, किरीट धारण किया हुआ है, और उसके चारों ओर घूम रहा है गर्भ में। यह शिशु ने दर्शन किया, और साथ ही साथ उस शिशु ने यह भी दर्शन किया कि इस व्यक्ति के चार भुजाएं हैं, उसके नेत्र अति बहुत ही दयामय है, लेकिन वो उस अस्त्र की ओर बहुत ही क्रोध से देख रहा है जो उत्तरा के गर्भ की ओर आ रहा है। हाथ में गदा लेकर वो रक्षा कर रहा है उस शिशु की। उसने उस अस्त्र को शांत किया और शिशु को जो परेशानी हुई थी, शिशु बेचारा घबरा कर प्राण त्याग रहा था, उसके प्राणों को पुनर्जीवित किया उस व्यक्ति ने, उस शिशु के। तो इस व्यक्ति का दर्शन करकर शिशु जो है विचार करने लगा कि ये है कौन, कौन है ये। तब से इसे प्रमाण मानते हुए, जिनको ये कथा पता है, सनातन संस्कृति में, समाज में, जब भी कोई माता गर्भस्थ होती है, वो जानती है कि शिशु जो है वो कोई मांस नहीं है, बल्कि एक जीव है। गर्भ जो है सिर्फ मांस नहीं है, बल्कि जीव है। एक बार एक बच्चा था, एक ये भी सत्य कथा है, वो दिन रात हुए, एक दो महीने का बच्चा था, मतलब अभी अभी जन्म लिया हुआ 15 दिन का बच्चा, दिन रात रोए। अब उसे कभी माता पिता संभाले, तो माता पिता जो है ना, जो बच्चे को संभालते थे, तो रोज शाम को 8 बजे एक विचित्र कार्यक्रम देखते थे टीवी पर, कोई कार्यक्रम आता था 8 से 9। जैसे उसे शुरू करते थे, बच्चा एकदम शांत हो जाता था, 9 बजे तक शांत, उसके बाद फिर रोना शुरू। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, ये बात समझ में ना आवे कि 8 बजे शांत, 9 बजे तक शांत, 9 बजे के बाद फिर रोना, 8 बजे के पहले रोना, 8 से 9 के बीच में कभी नहीं हुआ कि बच्चा रोया। तो अपने डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब आप क्या ज्योतिषी भी हो, आप कुछ बताओ क्या है। तो डॉक्टर ने पूछा, जब आप गर्भस्थ थी तो आप कौन सा कार्यक्रम टीवी में देखते थे, बोले यही रोज देखते थे हम 9 महीने पूरा, यह हमारा सबसे प्रिय कार्यक्रम था। बोले हाँ, क्योंकि आप सुखी रहते थे वो कार्यक्रम देखते हुए, तो समय कार्यक्रम की जो ध्वनि है
वो बच्चे तक पहुंचती थी। तो जब जैसे ही वो शुरू होता है बच्चा शांत हो जाता है। तो गर्भस्थ शिशु जो है वो निर्जीव नहीं है, सजीव है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो अस्त्र आया था उसको पूरी तरह से भगवान कृष्ण ने शांत कर दिया, साक्षात उत्तरा के शिशु के रक्षक के रूप में। और यह दृश्य जो है उस बालक ने देखा गर्भ में, और बाकी लोगों ने देखा कि जो प्रकाश छा चुका था वो शांत हो गया था। ये दूसरा ब्रह्मास्त्र था अश्वत्थामा ने प्रयोग किया, एक नंबर का क्या कहें उसे, दुष्ट डरपोक मिट्टी। उसे पता था कि अगर अर्जुन ने देख लिया कि उसका प्रयोग हो रहा है तो उसे रोक देगा, तो उसने पीठ पीछे वार किया, और वो भी एक शिशु के लिए। डर में व्यक्ति, जब व्यक्ति डर जाता है या उसके अहंकार को ठेस पहुंचता है तो अयोग्य से अयोग्य कार्य व्यक्ति करता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मन में कभी भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय में व्यक्ति कोई भी अनाप शनाप काम कर देता है। तो भय से मुक्त कैसे रहते हैं? एक बार अर्जुन जी जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, कल जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले मारूंगा, नहीं तो मैं खुद अपना स्वयं का दाह संस्कार कर दूंगा, चढ़ जाऊंगा, अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। रात को जाकर बड़े आसानी से सो गया वो आराम से। बाकी जितने भी लोग थे सब टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया, क्या करें। कौरव जो है रात भर सोए नहीं, षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे जयद्रथ को बचाया जाए। पांडव जो है वो विचार कर रहे हैं कैसे अर्जुन का मदद किया जाए। कृष्ण जो है उनसे चर्चा कर रहे हैं। सबने पूछा कृष्ण से, अर्जुन कहाँ है? भगवान ने बोला पता नहीं, देख कर आते हैं। गए देखे कि अपने बेड पर आराम से मस्त सोया हुआ है अर्जुन। भगवान ने उसे उठाया, कहा अर्जुन भैया सबको टेंशन में डाल के तुम सो रहे हो, कैसे करोगे ये काम सिद्ध, टेंशन नहीं आ रहा तुम्हें? उन्हें कहा अरे गीता में आप ही ज्ञान देते हो, कौन ते प्रति जानी न मैं भक्त प्रणशति, जाओ बड़े आराम से सबको बता दो कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता। आपने जब ऐलान किया तो बड़े जोशों से ऐलान किया ना, तो मुझे पूरा विश्वास है अब मैं सोऊंगा आप जागोगे, क्योंकि अब आपका काम है मुझे बचाना, और मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं। भय से मुक्त होने का ये लोक कथा है, ठीक है, इसे आप शास्त्र प्रमाण मत मानिए, कभी कभी लोक कथा ऐसे बताई दी जाती है, प्रचलित लोक कथा। तथ्य ये है कि जितनी ज्यादा भगवान में आस्था बढ़ेगी, और आस्था ये नहीं कि हमें तो भगवान में पूरा विश्वास है, ऐसे नहीं, जितना आपको विश्वास होता है ना खाने में कितना नमक होना चाहिए, और ना हो तो कैसे आप बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान में आस्था विश्वास होनी चाहिए कि अगर एक क्षण के लिए भगवान स्मृति से बाहर चल जाए तो बेचैनी होनी चाहिए, उसे कहते हैं आस्था। तो उत्तरा जी समझ गई, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, बाकी सब समझ गए कि भगवान वास्तव में हमारे रक्षक हैं। भगवान ने कहा ठीक है अब हम चलें, हमें जाना है द्वारका। तो कुंती महारानी ने जब ये देखा तो कुंती देवी आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ दी, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। 1822 वो कहने लगी कि आप साक्षात प्रभु परमेश्वर भगवान, और इसलिए आपको हम शत शत नमस्कार करते हैं।
नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। कुंती महारानी ने कहा कि हे प्रभु, आपका स्वरूप इतना सुंदर है, इसलिए आपके स्वरूप के अलग अलग अंगों को हम प्रणाम करते हैं। आपके जो नाभि है वो कमल से भी ज्यादा सुंदर है, उसको हम प्रणाम करते हैं। आपके जो नेत्र हैं कमल पुष्प के समान है, उसको हम प्रणाम करते हैं। आपके जो चरण हैं उसे हम प्रणाम करते हैं, चरण कमलों को। कहा जाता है, देखिए, चरण कमलों को तो व्यक्ति प्रणाम करता है, भगवान के नेत्र भी बहुत सुंदर हैं, भगवान का जो मुखमंडल है, उनकी मुस्कान, उनके ओठ, वो भी बहुत सुंदर है। नाभि के बारे में क्या बात है भाई, है ना? आप जैसे विचारक वर्ग जो है वो आकर पूछेगा, आंख समझ में आ गया, पैर समझ में आ गया, नाभि क्या है? नमः पंकज नाभाय। तो इस संबंध में समझाया जाता है, श्रीमद् भागवत में ही प्रसंग है कि भगवान की नाभि इतनी सुंदर है, भगवान की जो नाभि है इतनी सुंदर है कि जब उस नाभि से सृष्टि प्रकट होती है, तो प्रकट होने के बाद जो सृष्टि सोचती है कि प्रकट क्यों हो गई मैं, इतने सुंदर स्थान से मैं दूर क्यों जा रही हूं, मुझे वापस जाना है। सृष्टि जो है भगवान के नाभि से, नाभ्यावर्त गाभीरया, विश्वम नाभ्यावर्त गाभीरया। सृष्टि व्यक्त होती है, व्यक्त होने के बाद सृष्टि विचार करती है कि ना 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 ना, आई वॉन्ट टू गो बैक। इतना वियोग हम सह नहीं सकते। सो सृष्टि फॉल्स इन लव विद द लॉर्ड्स नेवल। भगवान के नाभि से सृष्टि जो है आकर्षित हो जाती है। तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की भगवान से, और कुंती महारानी ने कहा कि प्रभु, दुख मैंने बहुत देखे, लेकिन हर समय आपने हमारी रक्षा की। भीमसेन को विष भरा, उसे क्या कहते हैं, पकवान, विष भरा पकवान खिलाया गया, आपने उसकी रक्षा की। दावा नल में हम फंसे थे, आपने आके युक्ति समझाई। जंगलों में हम दर दर भटक रहे थे, राक्षसों से हम पीड़ित थे, आपने हमारी रक्षा की। सभा में हमारा अपमान किया गया, शोषण किया गया, आपने हमारी रक्षा की। अज्ञात काल में आपने आकर हमें मार्गदर्शन किया, और महायुद्ध में, कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में आपने निर्देशन किया, और अब आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से भी हमें बचाया है। इस सब के लिए हम बहुत आपके प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन अब आप जा रहे हो, ये वियोग नहीं सहा जाएगा हमसे, इसलिए एक प्रार्थना है उसे आप पूरी कर दीजिए। 125 कुर्ती महारानी प्रार्थना करती है, और कहती है कि दुख तो बहुत देखा है, लेकिन उसमें आपका आश्रय मिला है हमें, इसलिए अगर आपका आश्रय मिलने के लिए
दुख का रहना आवश्यक है। तो फिर प्रभु आपसे प्रार्थना है, विपतः संतो ताह शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम् यत्स्यात्, अपुनर्भवदर्शनम्। अब जब शांति हो गई है तो आप हमसे दूर जा रहे हो, वियोग हो रहा है, तो प्रार्थना यह है कि हमें दुख में ही रहने दो, और दुख दे दो। तो सबने कहा है, भैया ये क्या है, दुख के एडिक्ट हो गए क्या? तुमने कहा ना कि कम से कम दुख में आश्वासन तो है कि आप रहोगे हमारे साथ। तो लोग कहेंगे सुख में क्यों नहीं है, ये देखो जा रहे हैं, दुख में हमारे साथ। उत्तरा को जब देखा कि उसे दुख आया है तो रुक गए, रथ पर चढ़ते चढ़ते रुक गए और उत्तरा का रक्षा किया, उसका रक्षण किया, उसके शिशु का रक्षण किया। तो हे प्रभु, अगर यही है स्थिति कि दुख में संयोग है, मिलन है आपसे, तो दुख आते रहे हमारे जीवन में, क्योंकि हमें आपके साथ आपके सानिध्य में रहना है, ना कि आपसे विरह होना है, दूर जाना है। तो कुंती महारानी की ये प्रार्थना जो है, इतना गुह्य गंभीर है, यह इतना विशेष है कि इस प्रार्थना की पूजा करते हैं जो लोग जो पूरी तरह से संसार से विरक्त हो चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि विरक्ति में भगवान मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हैं तो दुख में तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि रक्षा करने जरूर आएंगे भगवान। और ऐसी परिस्थिति जिससे कुंती महारानी बार बार जो है जा चुकी है, अगला श्लोक 842 जा चुकी हैं, उसमें उनके मन की भावना वो व्यक्त कर रही है। देखिए, एक विधवा, 5 बच्चों की मां, उनके पौत्रों का देहांत तो हो चुका है, किसी ने इतना दुख नहीं देखा होगा जितना कि कुंती ने देखा। उनका ज्येष्ठ पुत्र जो है नहीं रहा, कभी उससे बता नहीं पाई कि किस कारण से उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र को त्यागना, 13 साल की उम्र में भी त्यागना पड़ा उन्हें, 12-13 साल की थी खाली। क्या बुद्धि होगी 12-13 साल की लड़की के पास, जीवन भर इस बात को, इसका जो उनको गिल्ट था वो रह गया, किसी से शेयर नहीं कर पाए बेचारी। वास्तव में महाभारत में अगर किसी भी पात्र के प्रति किसी का भी थोड़ा भी, कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड दैट पर्सन, उसको समझने की आवश्यकता है, तो कुंती को समझने की आवश्यकता है, किसी और ने इतना दुख नहीं झेला। सबसे जिसे कहते हैं ना कि अनसंग कैरेक्टर, अनसंग कुंती है। अब यह कुंती कह सकती थी ना, क्या फायदा है आपकी भक्ति करके, कभी कभी लोग पूछते हैं ना, क्या कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान फिर भी चल रहा है, मंदिर गए, पूजा पाठ किया, कुछ नहीं हुआ हमारे लाइफ में, उससे अच्छा कि छोड़ दो पूजा हो जाए। कुंती के लाइफ में तो बहुत बार ऐसा हो कि कुछ नहीं हुआ, वो कैसे कहते थे भगवान से, क्यों मेरे पति को आपने छीन लिया मुझसे। कभी कभी लोग बोलते हैं, हमने इतनी प्रार्थना की, हमारे पति हमारे
पिता, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारी बहन, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी देखो कैसे मर गए। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं भगवान में, तो कुंती भी वैसे बोल सकती थी, नहीं बोला उन्होंने। कभी भी उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया कि आप लोग षड्यंत्र कर रहे हो मेरे पुत्रों के विरुद्ध, एक बार भी। ऐसा नहीं है कि वो डरी हुई थी, ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं थी, लेकिन हर स्थिति में उन्होंने देखा कि कैसे साक्षात भगवान जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इसलिए शायद उनके जीवन में और समस्या आने लगी। लोगों ने देखा कि अरे इतना प्रयास करने के बाद भी जो है इसके जीवन में कुछ ज्यादा है ना इसका जीवन जो है इसे हम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हर समय भगवान जो है इसको बचा लेते हैं, तो और त्रास और तकलीफ देते थे कुंती को जाने अनजाने। तो बहुत कारण थे कुंती के पास ये कहने के लिए कि बहुत हो गया, मेरे श्रद्धा के, मेरे आस्था के, मेरे विश्वास की बहुत परीक्षा ले ली प्रभु, अब टाटा बाय बाय। तो ना ही वो ऐसी प्रार्थना करती हैं कि क्योंकि आपका सानिध्य मिलता है तो और दुख झेलने के लिए हम तैयार हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन इस श्लोक में उनकी प्रार्थना ये चरम सीमा है उनकी भावना की। किसी के भी जो भगवान का भक्त होता है, जैसे कहा गया ना भागवत में सिर्फ ये बात बताई जाएगी आश्रय, तो आश्रय की चरम सीमा क्या होती है, क्या व्यक्ति की भावना होती है जो आश्रित है, आश्रय प्राप्त करना चाहता है। त्वयि मे नन्य विषया मतिर मधुपते सुकृत रतिम उद्वहता दग्धा गंगे वौघम उदन्वती। हे प्रभु, जिस प्रकार से एक नदी गंगा जो है कितने भी अवरोध आ जाए कोई ना कोई मार्ग ढूंढकर वो समुद्र तक पहुंच जाती हैं, गंगा सागर तक, सागर तक पहुंच जाती हैं, वैसे ही मेरे जीवन में कितने भी अवरोध आ जाए, कितने भी विक्षेप डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, अगर हो सके तो मेरा जो संबंध है पांडवों के साथ और वृष्णियों के साथ, अगर ये भी मेरा मन भटका रही है तो ये संबंध को मिटा दो प्रभु, पांडवों के साथ जो मेरा संबंध है उसका विस्मरण करवा दो, वृष्णियों के साथ जो मेरा संबंध है उसका विस्मरण करवा दो, और मेरे मन के प्रवाह को आपके प्रति पूरी तरह से बहने दो बिना किसी रुकावट के। अब पांडवों में उनके पुत्र हैं और वृष्णियों में साक्षात कृष्ण है, लेकिन वो कह रही है कि अगर उसका मोह जो है मेरे मन को आपके चरणों तक पहुंचने में अगर विरोधक हो रहा है, विरोध कर रहा है, तो कृपया करके इन संबंधों से मुझे मुक्त कर दो। ये संबंध जहां पर मुझे लगता है कि मैं पांडवों की मां हूं और मैं कृष्ण की बुआ हूं, इस संबंधों से मुझे मुक्त करो और सिर्फ आपके चरणों के प्रति मेरा मन जो है बहे। तो कुंती महारानी ऐसी प्रार्थना करती हैं, भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हैं, मुस्कुराते हैं। फिर अन्य लोगों से मिलकर, अन्य जो माताएं हैं उनसे आशीर्वाद लेकर भगवान फिर से रथ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाना है द्वारका। द्वारका में भी बहुत सारे माताएं जो हैं राह ताक रही हैं कि कब द्वारकाधीश वापस आएंगे। चढ़ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत अशांत है, 34 करोड़ सैनिकों की मृत्यु
का कारण मैं हूं, मेरी वजह से इस युद्ध में इतने लोग मेरी आकांक्षा की वजह से इस युद्ध में इतने लोग मारे गए। अगर मैं त्याग देता यह सिंहासन तो युद्ध होता नहीं। युधिष्ठिर महाराज जो बात कह रहे हैं उसमें तनिक भी तथ्य नहीं है, क्योंकि अगर वो सिंहासन त्याग भी देते तब भी दुर्योधन नहीं मानता। और त्यागना सही नहीं होता, क्योंकि त्यागना नहीं त्यागना उनका उत्तरदायित्व नहीं है। उनका उत्तरदायित्व है कि प्रजा ने जो उनमें श्रद्धा रखी हुई है उस श्रद्धा को बनाए रखें। एक बार आप पब्लिक फिगर हो जाते हो, योर लाइफ इज नॉट योर्स एनीमोर। पब्लिक फिगर होने के पहले विचार करना चाहिए। एक बार आप माता पिता बन जाते हो, आपका जीवन आपका नहीं रहता। माता पिता बनने के पहले विचार करना चाहिए। एक बार आप गुरु बन जाते हो, आपका जीवन आपका नहीं रहता। गुरु बनने के पहले विचार करना चाहिए। एक बार आप विवाह में जुड़ जाते हो, पति पत्नी बन जाते हो, आपका जीवन आपका नहीं रहता। विवाह करने के पूर्व विचार करना चाहिए। और अगर आप ऐसे किसी भी संबंध में आ चुके हो तो जीवन दूसरों के लिए जीना ही आपका कर्तव्य है, क्योंकि दूसरों को आपने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में हम आपके लिए रहेंगे। जिम्मेदारियों को समझना यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म सिर्फ टीका पूजा पाठ नहीं है, एक संस्कृति है जहां पर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है, जानता है, और रोज उठकर अपने कर्तव्य को समझता है, जानता है, रोज सोते हुए उसका ध्यान करते हुए विश्राम करता है। क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ भोग करने के लिए नहीं है। सनातन धर्म कर्तव्य पथ पर चलते हुए सेवा करने के लिए। भोग तो पशु भी कर लेते हैं, प्राणी भी कर लेते हैं। बुद्धि भोग करने के लिए नहीं दी गई है मानव योनि में। मानव योनि में बुद्धि दी गई है कि भोग करते हुए पशु की तरह ना रहें, सेवा करते हुए मनुष्य के जीवन को सिद्ध करें। और सेवा करने के लिए कर्तव्य पथ पर निष्ठापूर्ण चलना यह आवश्यक है। अग्रसर रहना चाहिए कर्तव्य पथ पर, क्योंकि जहां पर कर्तव्य नहीं है वो पाश्विक समाज है। जहां पर कर्तव्य की सूद बूध होती है वो मानव समाज कहलाता है। कर्तव्य निर्धारित कौन करता है? मानव समाज के लिए शास्त्र दिए, इसलिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। पशु योनि के लिए शास्त्र नहीं होते। क्षमताएं अलग अलग होती हैं। मानव जो है संबंधों को सूक्ष्म स्तर तक समझ सकता है। कभी आपने पशु को देखा है श्राद्ध करने के लिए गया गए हुए ना? मानव करता है क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर को समझता है, सूक्ष्मता समझता है संबंधों का, पशु नहीं समझता। और जो मानव इतना लिप्त हो जाता है सिर्फ भोग करने में, मैं और मेरा इसी में लिप्त हो जाता है, जाने अनजाने में अधिकांश रूप से उसे पाश्विक व्यवहार ही होता है। आहार निद्रा भय मैथुन में ही उसका ध्यान लगा रहता है, चाहे वो उसे रीत के हिसाब से करे या रीत को तोड़ते हुए करे, लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन में ही मन लगा रहता है उसका। इस
नित्य जब भी समय मिले विचार कीजिए कि दिन में आपने कौन सा कार्य किया जो पशु नहीं कर सकता था। आपने कर्म किए, पैसा कमाया, किस लिए? भोजन के लिए, मॉर्गेज भरने के लिए। आपको पता है एक शेर कितना कष्ट करता है, भोजन के लिए करता है। चिड़िया कितना कष्ट करती है, भोजन के लिए करती है, अपने घोंसले के लिए करती है। तो मानव जब सिर्फ यही कार्य करने में यही उसका उद्देश्य होता है तो उसमें पशु में अंतर क्या है? इसलिए प्रतिदिन इस पर विचार करना चाहिए कि दिन भर की दिनचर्या मानव स्तर पे कितनी थी और पार्श्विक स्तर पे कितनी थी। और जितना ज्यादा हम ऐसा विचार करते हुए कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे जो शास्त्र युक्त है, उतनी ही हमारी बुद्धि जो है हमें सही दिशा का दर्शन कराते रहेगी जो योग्य है। और सही दिशा, योग्य दिशा क्या? कभी कभी लोग पूछते हैं सही दिशा क्या होता है, योग्य दिशा? सूक्ष्मता, जो इतनी बात चलती है ना कि इकोलॉजी को हम लोग जो है उसका संरक्षण करना चाहिए, नेचर का ध्यान देना, ये सब ये सूक्ष्म संबंध मानव ही कर सकता है। उस पर ध्यान, संबंधों की सूक्ष्मता को ध्यान करना। तो कर्तव्य इसलिए इतना जोर दिया जाता है, खास करके भारत में। कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, कर्तव्य, डू योर ड्यूटी बोलते हैं भाई। मिलिट्री में है क्या हम? बाकी जगह पर यही होता है, भारत के बाहर निकल जाओ, डू व्हाट यू वांट। चाहे वो जस्ट से इट, डू इट, जस्ट डू इट। भारत में ऐसा नहीं होता, भारत के सीमा क्षेत्र में कोई ना कोई टोकेगा, दिस इज नॉट योर ड्यूटी। पान वाला भी टोक देगा आपको, जानता है कर्तव्य करना ही मनुष्य जीवन का अर्थ है। और कर्तव्य इसलिए किया जाता है ताकि हमारी सेवा वृत्ति स्थाई रहे। एक बार हमने कोई संबंध जोड़ा है, जिस चीज के साथ, जिसके साथ संबंध जोड़ा है, अब हमारा जीवन उसके लिए है, चाहे वो औजार ही क्यों ना हो। इसलिए सनातन धर्म में औजारों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उसके साथ हमारा संबंध जुड़ा है, उसने हमें कुछ ना कुछ प्रदान किया है, दिया है, तब हमारा कर्तव्य है उसके प्रति। युधिष्ठिर महाराज आ गए, अपने आप को दोषी ठहराने लगे, कितने सारे बहन हैं उनके भाई ना रहे, कितनी सारे माताएं हैं उनके संतान ना रही, कितनी सारी पत्नियां हैं उनके पति मार गए, सबका दोषी मैं। सबने समझाया युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं है, देखिए ये कौरव सेना, पांडवों की सेना, इन सबके अपने अपने मत थे, मतभेद था, उसकी वजह से हुआ, आप नहीं है पूरी तरह से इसके लिए दोषी, किसी के बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कुछ बोलूं, युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्रभु आप भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे हमें, हम दोषी। कभी कभी हम भगवान के सामने चले जाते ना, भगवान
मैं इतना मेरा चित्त मलिन है कि आप भी शुद्ध नहीं कर पाओगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता प्रभु, आप छोड़ दो मुझे, पॉसिबल ही नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज उस स्टेज में पहुंच चुके थे। अब ऐसा कैसे है कि साक्षात भगवान होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज जो है समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा दे रहे थे, मेरी बात मत सुनो। तो सब हताश हो गए, युधिष्ठिर महाराज जो है एकदम सामने ही जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं सबके सामने। राजा डिप्रेशन में जाए अच्छी बात नहीं है। सबने भगवान से ही कहा प्रभु आप भी यहां पर हार मान रहे हो। भगवान ने कहा ना फिर आई हैव अ प्लान। भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज से एक व्यक्ति है जिसकी बात आप ठीक से समझ सकोगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कौन? पितामह भीष्म। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाँ। भगवान ने कहा जाओ सबको चेंज कर कराओ, एकदम शानदार कपड़े पहन कराओ। अब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की बात मान रहे हैं, उन्होंने एकदम राजसी वेश धारण कर लिया है, ये मुकुट, ये अलग अलग प्रकार माला है, सब कुछ ताम झाम के साथ रथों के ऊपर बैठकर सबके सब पहुंच गए। सारे पांडव ऐसे एकदम जैसे कि उल्लास में उत्साह में पहुंचे हैं। कहां पर? जहां पर बाणशैया पर गंगा पुत्र भीष्म जो है लेटे हुए हैं, कब शरीर त्यागेंगे? महीना भर हो चुका था उन्हें और एक ड्रिप सलाइन भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा कितना डिहाइड्रेटेड हो गया, थोड़ी सी प्यास लगी थी, अर्जुन जी से कहा पानी पिला दे बेटा। तो अर्जुन जी ने गंगा धारा प्रकट किया। जब ये भीष्म पितामह ने सारे पांडवों को इतना तेजस्वी इतने ऐश्वर्य में देखा, इतने वर्षों से जो उनके मन में ग्लानी थी कि पांडवों के साथ कभी भी मैं ठीक से जैसा मैं चाहता था वैसे उनको ठाट बाट दे नहीं पाया, ये साक्षात गुरुवंशी ही है। जब उन्होंने देखा उन्हें पूरे एकदम रिगेलिया में एकदम गुरुवंश का पूरा ठाट बाट देखा, बड़ा आनंद हुआ उन्हें। अभी कृष्ण के अलावा कोई नहीं जान सकता था कि भीष्म पितामह के मन में यह ग्लानी है, भगवान जानते थे। भीष्म पितामह ने सबका स्वागत किया, विशेष करके भगवान कृष्ण का स्वागत किया। उन्होंने युधिष्ठिर इत्यादि से कहा युधिष्ठिर ये जो व्यक्ति हमारे बीच हमारा संबंधी बन के घूम रहा है जान लो कि ये संबंधी नहीं है, ये हमारे भगवान है। अपनी स्वेच्छा से आपके भाई और हमारे पौत्र के रूप में यहां पर ये भ्रमण कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से द्वारका में हस्तिनापुर में विचरण कर रहे हैं, लेकिन ये परम परमेश्वर भगवान है। 1912। और फिर भगवान की ओर देखकर कहा आपकी लीला बहुत परंपरा है प्रभु, आप ऐसे ऐसे दृष्टांत व्यक्त करते हो कि आने वाली पीढ़ियां डर जाएं कि आपकी भक्ति करें या ना करें। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्युयम धर्म नंदनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः। विष्णुदेव ने कहा कि
कितनी तकलीफों से ये बच्चे जो हैं गए हैं, कितना इनके साथ अन्याय किया गया है। अरे लोग अगर देखेंगे कि इनके साथ इतना अन्याय किया है तो अच्छेपन से उनका मन हट जाएगा, लोग बोलेंगे क्यों अच्छा बने, इतना अन्याय इनके साथ हुआ है। साक्षात धर्म पुत्र हैं ये, किसी के साथ भी इतना दुख होए ये योग्य नहीं है। अरे कुछ तो सुख होता है लोगों के जीवन में बीच बीच में, तुम्हारे यहां तो एक के बाद एक दुख, और इतना इतनी दुख से बीतने के बाद भी कोई जीवित रह जाए यह असंभव है, लेकिन तुम जीवित भी रहे क्योंकि साक्षात गुरुजन धर्म और परमेश्वर जो है तुम्हें आश्रय दे रहे हैं। और फिर 1915 फिर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर कितने राजा जो हैं यहां पर आए और गए, एक एक पराक्रमी राजा उन्होंने यहां पर राज्य किया, आधिपत्य उन्होंने अपना यहां पर जमाया, लेकिन आज कहां है, समय में सब जो है धुंधले हो चुके। यत्र धर्म सुतो राजा तुम्हारे साथ धर्म है कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर है, तुम्हारे पास गदा पानी भीमसेन जिनकी गदा को आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया ऐसा वृकोदर है, कृष्ण स्त्री साक्षात अर्जुन है, ये तीन महारथी एक साथ होते हुए भी तुम लोग इतने दुख में रहे, और इतना ही नहीं साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ है फिर भी इतनी विपदाएं तुम्हारे जीवन में कहां से आ गई, विचार करो युधिष्ठिर, ये सब काल है, ये सब काल का प्रभाव है युधिष्ठिर। एक स्थान पर काल के संबंध में कहा गया है 1346 कि काल होता क्या है, काल कितना निष्ठुर होता है, अगर ये समझ में आ जाए ना तो व्यक्ति सारे हैप्पी एनिवर्सरीज मनाना बंद कर दे, काल की निष्ठुरता को अगर समझ जाए। काल कर्म गुणाधीनो देहोयं पंचभौतिकः कथं मन्यांस्तु गोपयत् सर्पग्रस्तो यथा परम्। जीव जब काल के अधीन या काल से ग्रस्त होते हुए काल से एकदम बंधा हुआ जकड़ा हुआ होता है तो तीन गुणों के साथ काल ऐसा खेल खेलता है कि हर कर्म जो है जीव को अनंत और जन्मों में बांध देता है, हर कर्म, एक एक कर्म जो है आपके लिए एक से अधिक जन्म तैयार कर रहा है। तो काल रूपी ऐसे सर्प से कौन बच सकता है, सबको निगल देगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बहुत प्रचलित उदाहरण है, यह भी लोक कथा है, इसका प्रमाण जो है लोक कथाओं में मिलता है कि धृतराष्ट्र जी ने पूछा युधिष्ठिर कृष्ण से कि कृष्ण मेरे होते हुए मेरे 100 संतान कैसे मर गए, तो कृष्ण ने कहा आज से 100 जन्म पूर्व आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी के 100 अंडों को नष्ट कर दिया जो अभी जन्म ले रहे थे, अंडे फूट कर उसमें से शिशु जो है प्रकट होने वाले थे, आपने सबको नष्ट कर दिया, तो उसका आपको दंड मिला
तो ये उन्होंने पूछा फिर 100 जन्म के बाद क्यों दंड मिला हमें, तुरंत क्यों नहीं मिला? तो कृष्ण ने कहा प्रत्येक जन्म में इतना आपको कर्म सकर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, जिससे कि आपको एक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिले। ऐसे करते हुए जब आपने 100 जन्म बिता दिए अच्छे कर्म करते हुए, सोचिए 100 जन्म अच्छा कर्म करते हुए, 100 जन्म उन्होंने क्या किया, अच्छा कर्म किया, और जैसे ही 100 जन्म अच्छे कर्म के हो गए उनको आशीर्वाद मिल गया कि उनके 100 पुत्र होंगे। एक जन्म के बाद एक पुत्र नहीं मिला, 100 जन्म उन्हें अच्छे कर्म करने पड़े, तो 101वां जो जन्म है उसमें उनको 100 पुत्र मिले और 100 के 100 मारे गए। अब बताइए कर्म क्या किया उसने, कर्म किया 100 अंडों को नष्ट करने का, कितने जीवन जगने पड़े उसे, 101। 100 तो पुत्र प्राप्त करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद और एक ताकि उस अपराध का दंड मिले। कौन जाने काल की रीत, अब बताएं। अब आप बोलेंगे ये सब डराना, डराने की बात नहीं है, ये सूक्ष्म तत्व है। अगर इसमें आप रिसर्च करना चाहें तो कहीं आपको मिल जाएगा नोबेल प्राइज, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इसमें से आप निकाल लेंगे इस सिद्धांत में से। लेकिन नोबेल प्राइज लेकर करेंगे क्या, 100 जन्म के बाद फिर से दंड मिलना ही है। तो काल का स्वरूप यह है, काल सर्प के समान है, सब कुछ निकलता है, तो कौन बच सकता। तो भीष्म पितामह ने कहा इसलिए युधिष्ठिर अपने आप को दोषी ठहराने का तुम्हें अधिकार नहीं है, ये सब काल का प्रभाव है। हाँ, अगर किसी चीज का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो तो सत्य कर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। सत्य कर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, क्योंकि अगर सत्य कर्म नहीं करोगे तो काल इतने जघन्य रूप से आपको ग्रस्त कर लेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कितने जीवन आप ऐसे ही, कितने जीवन नहीं, इसी जीवन में कितने दिन आपके ऐसे निकल जाएंगे, समस्याएं सुलझाते सुलझाते नई नई समस्याएं आते रहेंगे। इसलिए युधिष्ठिर जी काल के स्वरूप को समझिए और भगवान का आश्रय लीजिए। उसके बाद भगवान की स्तुति करने लगे वो, उन्होंने कहा कि ये भगवान जो है ना खाली अपना प्रचार करते रहते हैं, बोलते रहते हैं मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, सबके साथ समान व्यवहार करता हूं। कौन मानेगा कि ये सबके साथ समान व्यवहार करते हैं? अगर सबके साथ समान व्यवहार करते तो आज मेरे मृत्यु के क्षण पर मेरे सामने खड़े होते ये मुझे दर्शन देने के लिए, ये तो विशेष कृपा कर रहे हैं मुझ पर, ये समान व्यवहार नहीं करते, विशेष कृपा करते। हे प्रभु, आपका जो भक्त है जो निसंकोच और अनन्य भाव से आपका आश्रय लेता है, आपका उसके साथ सामान्य व्यवहार भी अति विशेष होता है उसके लिए। आप तो सामान्य व्यवहार कर लेते हो लेकिन उसके लिए वो अति विशेष होता है। आप यहां पर चलकर आए, मुझसे मिलने आए, अरे व्हाट्सएप कर देते वो भी हो जाता, आप साक्षात यहां पर आए। आपका हृदय बहुत कोमल है, कौन कहता है कि आप सब चीज से परे हो, आपके मन में भी मोह है आपके भक्त के लिए, प्रेम है आपके भक्त के लिए,
किसी को पता नहीं था, सिर्फ आप जानते थे मेरे मन की बात। आप ही को पता था कि मेरे मन में यह अभिलाषा थी कि काश मैं देखूं भगवान कृष्ण को अपने क्षत्रिय स्वरूप में, वीर स्वरूप में, यहां पर महान योद्धा की तरह वो व्यक्त कर रहे हैं अपने स्वभाव को। आप ये बात जानते थे। तो अर्जुन जब पूरी तरह से निराश हो चुके थे युद्ध में, वो नहीं करना चाहते थे मुझसे युद्ध क्योंकि वो कमजोर पड़ चुके थे और मेरा वार जो है पांडवों की सेना पर बहुत भयंकर पड़ रहा था, तो आपने अर्जुन की रक्षा करने के लिए कोई काम नहीं किया। आपने वो मौका उठाया ताकि मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। और वह दृश्य जहां पर मैं आपको पैदल दौड़ते हुए देख रहा हूं, आप एक सिंह के समान मेरी ओर दौड़ रहे हैं, आपका पीतांबर जो है लहरा रहा है आपके पीछे, युद्ध में जो रथ घोड़े हाथी और पैदल सेना है उनके विचरण से जो धूलि उठी हुई है, उस धूलि से आपका शरीर पूरी तरह से थका हुआ है, आपके केस जो है खुल चुके हैं, आपके चेहरे पर पसीना है, आपके हाथ में रथ है और आप मेरी ओर दौड़ रहे हो। किसके पास, किस योद्धा के पास, किसे यह संधि प्राप्त हुई कभी भी अपने जीवन में? न भूतो न भविष्यति, किसी ने यह दृश्य नहीं देखा। लेता है रासलीला में से गायब होकर गोपियां उसे दर दर ढूंढती हैं, वह कृष्ण मेरा है। वह कृष्ण जो अपने सखा की रक्षा करने के लिए रथ का पहिया उठाकर दौड़ता है, वह कृष्ण मेरा है। और वह कृष्ण जो साक्षात पैदल चलकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाता है कि लो भीष्म,
तुम्हें दर्शन चाहिए था मेरा, मैं यहां पर खड़ा हूं, वो कृष्ण मेरा है। अब प्रभु यही आशीर्वाद दीजिए कि जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ये आशीर्वाद दीजिए। भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए उनका दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा और सन्नाटा छा गया सारे ब्रह्मांड में। पशु पक्षी गंधर्व नाग सब कोई शांत हो गए, मानो जैसे कि ब्रह्मांड के प्राण ही चले गए हों। और सबने उस श्रेष्ठ महात्मा को मन ही मन प्रणाम किया जिसे अनंत काल तक भीष्म नाम से सम्मानित किया जाता है, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त श्री भीष्म देव, गंगा पुत्र भीष्म। उसके बाद भगवान फिर से अपने रथ पर आए और द्वारका जाने की तैयारी करने लगे। यहां पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न है कृष्ण का? श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। इसके सुनि प्रभु की जय। महाप्रसादे गोविंदे। महाप्रसादे गोविंदे।